क्या घटना हुई आपके साथ? हवाई घटना राजेंद्र नगर अस्पताल में सुनीता चंद्रा जी का जो है, सौरभ चंद्रा उनके पति हैं, वहाँ जो है 6 महीने से इलाज मेरी बेटी का, जरा सा एक सिस्ट टाइप की थी बच्चेदानी में, तो उन्होंने उसका चल रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा 11 तारीख को कि इसका जो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तभी जो है इसमें सफलता मिलेगी। तो उन्होंने कहा बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, मुझके से 15 मिनट लगेंगे, ऑपरेशन कर देंगे या तो शाम को या दूसरे दिन छुट्टी कर देंगे। हम लोग उसमें जो एग्री हो गए, 12 तारीख को एडमिट कराया, 10 बजे करीब 10-11 के बीच वो ले गए ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ जा करके वो अपना ऑपरेशन किए, थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल के आए, बोलो 2 यूनिट खून का ब्लड का इंतजाम करिए। तो हमने 2 यूनिट फिर तुरंत ब्लड का इंतजाम किया, फिर 1 घंटे बाद वो कहते हैं कि 3 यूनिट ब्लड का और इंतजाम करिए। तो मैंने कहा हीमोग्लोबिन उसका सही था, रिपोर्ट मैं पढ़ चुका हूँ, और ये आप खून पे खून क्यों मंगा रहे हैं? आप हमको सही सही बताइए, आप वो न समझिएगा, और आप गलत इन्फॉर्मेशन है, उसको सही बताइए कि क्यों मंगा रहे हैं। जब हीमोग्लोबिन सही था तो उन्होंने कहा कि गलती से हमसे नस कट गई है, संजीव गुप्ता डॉक्टर थे, उन्होंने कहा गलती से हमसे नस कट गई है, तो इसलिए वो मैं पूरे। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए कि कोई बड़े बड़ा डॉक्टर बुला लीजिए, किसी और अस्पताल में लेते चलिए, जो पैसा खर्च करेंगे। अरे पैसा तो अब हमारी जिम्मेदारी हो गई, वो हम करेंगे, और आप इससे नीचा खाई बच्ची को हमको बचाएं। हमने कहा मेरी एक ही बेटी है और कुछ होना नहीं चाहिए। तो कहें नहीं कुछ नहीं होगा, आप इससे नीचा खाती रहिए। मैंने फिर 3 यूनिट खून मंगवाया और मंगवा करके उनको दिया, और वो 5 बजे क्या किया उन्होंने, उसको बाहर निकाला, एम्बुलेंस उन्होंने मंगवा रखी थी और जल्दी से उन्होंने शिफ्ट भेज दिया। और हमको लगा कि बच्चे में कुछ है नहीं, जब वो शिफ्ट में गई तो उन्होंने जांच किया तो कहने ये तो मृत तो है पहले से ही ऑलरेडी। तो वहाँ जो है तो वो इस तरीके से उन्होंने ऐसा काम किया है, और मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्टर का इस अस्पताल को सीज किया जाए। राजेंद्र नगर अस्पताल राजेंद्र नगर में है, नवयुग के पास, और सुनीता चंद्रा सौरभ चंद्रा उसके मालिक हैं। और ये जो है, और भाई बार बार हाथ जोड़ता रहा कि मेरी बेटी अकेली है, कुछ होना नहीं चाहिए, जहाँ ले चलो, जो पैसा खर्च को मैं खर्च करूँगा। और वो हमको आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, डार्क में रखा, और उसके बाद मेरी बेटी मेरे चली गई। तो आज मेरी बेटी के साथ में जो ये घटना घटी है, ये दूसरी बेटियों के साथ, मेरी तो चली गई, मैं घर पर बैठ जाता, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं करूँगा, इनको सजा दिलवा के ही रहूँगा। तो मैं वो संघर्ष जो आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए मैं कर रहा हूँ, अपने लिए हैं। पुलिस ने तुरंत उसी दिन FIR लाज हमारी करवाई, और उसके बाद जो है पैनल द्वारा हमारा कुछ हुआ है, तो हमने जो है पैनल द्वारा जो ये भी किया कि पैनल द्वारा हो, तो उसको CMO के पास जब इंफॉर्मेशन गई कि उनका पैनल द्वारा होना चाहिए, तो उन्होंने पैनल द्वारा फिर करवाया, पोस्टमार्टम पैनल द्वारा हुआ है। लेकिन अभी उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि रिपोर्ट में क्या है, अभी वो भी दबी हुई है। तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी उस पर वो हो, और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिससे पहले भी घटना हो चुकी, अभी कानपुर से आए थे, उनकी बेटी वहाँ ख़त्म हुई थी, यहाँ लखनऊ में होती, वो भी उन्होंने अपनी बात बताई। तो इस तरीके की वारदात फिर ना हो, किसी दूसरे बेटियों के साथ ना हो। पर मेरी लड़ाई मैं इसी आम पब्लिक के लिए लड़ रहा हूँ, और पब्लिक का सपोर्ट भी हमको मिल रहा है, बराबर हमारे पास जो है आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहे हैं कि आप हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके साथ में। राजधानी लखनऊ में इस तरह का कारनामा चल रहा है, तो उसके पीछे क्या लगता है आपको, कौन लोग हैं, क्या योगी सरकार से आप क्या चाहेंगे? योगी सरकार तो अपनी जगह पे सही है, योगी सरकार, मगर ये जो अधिकारीगण हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं, और ये सरकारी नौकरी करने वाले भी इसमें जो लिप्त हैं वो दूसरी जगह जा करके ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी जगह जा करके वो कर रहे हैं, जबकि राइट नहीं है सरकारी सर्विस करने वालों को दूसरी जगह जा करके अस्पतालों में काम करने का और ऑपरेशन करने का, ये सब बंद होना चाहिए। हाँ, सौरभ चंद्रा, सुनीता चंद्रा, सौरभ चंद्रा और संजीव गुप्ता जिसने ऑपरेशन किया, और यही सब हमारे उसी हॉस्पिटल के, उसी FIR में इलाज है। ये दो लोग जो है सौरभ चंद्रा वो चलाते हैं, और ये बाहर से आए हैं संजीव गुप्ता के बारे में कुछ जानकारी है? हमें जानकारी इनके लिए हम जानकारी पूरी कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन ये कई लोगों का गड़बड़ कर चुका है ये डॉक्टर। कितने दिन की बात? 6 महीने से इलाज चल रहा था,
50,000 रुपया उसने खर्च किया, बाद में उनका ऑपरेशन करवाइए। 12 तारीख को सुबह ले गए, 11 बजे। अरे वो तो 12 ले गए, लेकिन इलाज तो 6 महीने चल रहा था। एडमिट केवल 12 को ले गए और 12 को एडमिट कराया और उसी दिन ही ऑपरेशन हो। कल हम शाम को या सुबह आप ले जाइएगा। 25,500 ATM से वो जमा कर किया और 6,500 की दवाई मंगवाई थी वो उनको दिया, और बाकी खून जो है 5 यूनिट खून का इंतजाम हूँ। और उसके बाद उन्होंने उससे किया था रेजर द्वारा, और बाद में जब वो डेड बॉडी वहाँ पे शिफ्ट से निकाली गई और पुलिस आई तो उसको जब खुलवाया तो पूरा पेट खुला हुआ था, जबकि उससे दूरबीन से किया था। तो हम लोग अचंभे में रह गए और बताया कुछ नहीं, डार्क में रखा। अरे परिजनों को कुछ, अरे किसी दूसरे अस्पताल में ले जाए सर, मेरी बेटी बच जाती। सिर्फ वालों ने तो रिपोर्ट दी है कि ये आई तो उसमें पहले वो खत्म हो चुकी थी, उन्होंने कुछ नहीं बता। उन्होंने जाँच किया, देखा तो करें ये तो डेथ है। उन्होंने लिख के उसमें रिपोर्ट में दिया है 40, वो अभी उसका जो है प्रॉपर नहीं है। अभी वो जो रिपोर्ट आ रही है पोस्टमार्टम वाली, उसमें सब पता चल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पैनल द्वारा हुई है 3-4 डॉक्टरों के द्वारा, बड़ी घटना हुई राजधानी लखनऊ के अंदर, क्या इसको लेकर आप मुख्यमंत्री योगी जी मिलेंगे? योगी जी बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। पुलिस कार्रवाई तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, अभी तो हमारी श्रद्धांजलि सभा थी, कोई आंदोलन नहीं था, लेकिन इससे अगर नहीं कोई वो होगा कार्रवाई तो आंदोलन के रूप में लेंगे। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। मुख्यमंत्री जी से पहले मिलेंगे, हमारा पहला कार्य है मुख्यमंत्री जी से मिलना, वो भी मैं मिलूंगा, उनसे समय ले लूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा, ऐसा ऐसा है अधिकारी लोग आपकी छवि खराब कर रहे हैं, आपके सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, ऐसा ना हो, समझे? ये हम उनसे अनुरोध करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और उनसे मिलूंगा व्यक्तिगत तौर से।